रोटी वगैरह ईट वगैरह बनती है। वीडियो शूट हो चुका है, आई थिंक ये सूर्य इधर देखो, सूर्य है ना, क्योंकि आप लोग अच्छे होंगे। और देखिए हम आए थे यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए। एंड एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो है गाँव में मेरा आज लास्ट डे है। एंड मैं मतलब कल जो है मैं बनारस जाने वाली हूँ। एंड जो भी है मैं अब वहाँ का सारा वीडियो एंड वहाँ का सारी चीज़ें वहाँ पे आएगी। एंड यहाँ पे मेरा मतलब आज फाइनली लास्ट डेट है, तो मैं सोची आपको छोटा मोटा ब्लॉग बना के दिखाई देती हूँ। एंड यहाँ पे हम आए थे वीडियो शूट करने के लिए, तो आई होप कि आप लोग मतलब इन्जॉय करो और मेरे वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। तो फिर मिलते हैं। तो गाइज देखिए हम मैं इधर का ये व्यू है, क्योंकि आप सभी पता है आप सभी को कि मैं गांव में हूँ, तो ये पूरा व्यू पॉइंट है एंड रोड का सीन है। और अदरवाइज़ मैं पहले भी 4 लेन पे मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं जाती हूँ वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। तो मेरी सिस्टर है, जा रहे हैं अभी मतलब घर पे जा रहे हैं, वीडियो शूट हो चुका है और चलिए घर पे चल के आपको मिलते हैं। थोड़ा बहुत वहाँ पे भी मिरर शूट करेंगे वीडियो मिरर में और फिर आपको दिखाएंगे, मिलते हैं। देखिए ये कितना प्यारा व्यू है और हम जो है इसी रूट से आए थे, जो ये हमारे घर जाने का रूट है। एंड एक चीज़ और मैं दिखाती हूँ, आप ये देख सकते हैं, क्या गेस कर सकते हैं, ये मतलब हमारे घर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। बट यहाँ पे मिट्टी वगैरह ईंट वगैरह बनती है जो हमारे घरों में यूज होता है। एंड यहाँ पे देखिए मतलब जो भी सारी चीज़ें हम जा रहे हैं तो आपको सोचे दिखाई देते हैं। आज मेरे छत पे मेरा लास्ट डे है और हम जो है मैं पहले मतलब घर चली जाऊंगी, सॉरी अब चली जाऊंगी बनारस। तो मैं जो है रक्षाबंधन पे आने वाली हूँ, क्योंकि अभी मतलब आने का कोई वो नहीं है। एंड मैं अपने भाई के बर्थडे सेलिब्रेशन पे आई थी, उसका बर्थडे था, तो आज मेरा मतलब हमारा डे है। तो मैं सोची थोड़ा आपको भी दिखाई देती हूँ एंड घूम लेती हूँ, क्योंकि फिर तो रानी आएंगे रक्षाबंधन पे 2-3 महीने के बाद आएंगे, वो भी मतलब इतना लंबा नहीं रुकते हैं। इस बार मैं आई थी तो सिर्फ आप सभी के लोगों की वजह से, वीडियो शूट करने की वजह से एंड मेरे भाई का बर्थडे था, इसकी वजह से मैं इतना रुकी हूँ, मैं इतना कभी नहीं रुकती हूँ। तो मैं सोची कि आपसे मतलब जो है थोड़ी बातें कर लेती हूँ, गाँव में हूँ। और मैं अभी गई थी जस्ट अभी वीडियो शूट करने के लिए, मैं बताई हूँ जैसे, और वीडियो शूट उठ होने के बाद से, क्योंकि मेरी सिस्टर जो थी वो अब रहेगी, तो मतलब दूसरी सिस्टर वीडियो शूट करेंगे सब, मैं तो रहूँगी नहीं। तो मैं सोची आज लास्ट डे उसका शूट वगैरह कर देती हूँ। तो फिर मैं तो फ्रेंड्स ये देखिए ये क्या करे, मार देंगे अभी उसको, निकालो उसको जल्दी, उसको निकाल लगा, वो फट जाएगा। अभी एक धूले हैं इसको काम करना। तो हम इसके साथ जो है वीडियो आज लास्ट बना रहे हैं, तो बाय बाय। वो देखो पीछे सनराइज व्यू कितना अच्छा आ रहा है कल, अरे उतने सारे वो देखो बच्चे, वो हमारा कल तो नहीं है, ये रहा कहाँ पे वो देखो। एक चीज मैं दिखाऊं दोस्तों आप सभी को, वो फूल गेस करो वो कौन सा फ्लावर है, मैं ऐसे जूम करके दिखाती हूँ, आप लोग बताओ ये कौन सा फूल है, बताओ 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 ये कौन सा फूल है। आई थिंक ये सूरजमुखी है, जो इसका मतलब बोलते हैं कि जिधर सूर्य होता है, देखिए अभी उधर ये रुको रुको 1 सेकेंड, ये इधर देखो सूर्य है ना, तो ये उधर को ही मुड़ा हुआ है देखो। तो सूरजमुखी इसीलिए इसका नाम पड़ा है कि ये जिधर सूर्य जाता है उसके अकॉर्डिंग ये मुँह कर लेता है, तो इसका यही है। सूर्य है ना, तो मैं दिखाती हूँ, ये देखा सूर्यमुखी जो देखो इधर के ही सारा मुंह किया हुआ है, ये लोग बताते हैं इसीलिए इसका नाम। तो गाइस आज बहुत मज़ा आ रहा है और पता है मेरे को जाने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे आम जो है मतलब मिलने वाले आम कल, पता है कल गाइस बहुत ज़्यादा बहुत गर्मी हो रही है, क्योंकि पता है कल बारिश हुई थी और कल मतलब शाम के टाइम बहुत मतलब बहुत बेकार मौसम था, बहुत ही ज़्यादा बेकार मौसम था, क्योंकि कल आंधी तूफान भी आ गया था और इतना सर देखो मेरा छत जो है बहुत गंदा हो गया, और मैं क्या ही बताऊँ, मुझे तो लगा कि इतनी आंधी तूफान आई हुई, मैं कल ही जाने वाली थी बनारस, आज मैं पहुँच गई होती, बट मैं कल इसलिए नहीं गई, लाइक इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे मतलब ना बहुत तेज़ आंधी तूफान आई थी और
इतना प्यारा मौसम हो रहा था, भले ही आधी आ रही थी बट इतना प्यारा मौसम था ना, मन कर रहा था कि मैं पूरा घूमूं, पूरा वीडियो शूट करूं, फ्रेंड्स डर भी लग रहा था क्या होगा। तो आज मेरा जो है ना लास्ट डे है छठ के, मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा है और मैं जाने वाली हूँ। कल मैं अकेले अकेले वीडियो बनाऊंगी, मुझे प्लीज सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो यार। बहुत अच्छा फल दिखाने वाली हूँ, गांव का है, मुझे नहीं पता है, मैंने बचपन में उसको काट काट के खाया है, तो वो देख सकते हैं वो फल लगा हुआ है, बट आई डोंट नो कि मतलब उसमें इतना अच्छा होता है ना। अभी मैं चली जाऊँगी तो ये मिलने वाला नहीं है, मैं चली जाऊँगी तो ये मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि जो लोग रहते हैं वो इसको इंजॉय करते हैं, खाते हैं। और पता है मैं क्या बताऊँ, बहुत मतलब यूनिक यूनिक चीज़ें जो होती है ना गांव में मिलती है, बहुत अच्छी चीज़ें, मैं अभी आपको दिखाऊंगी ना, मतलब इतना सारा आम आया है, क्योंकि कल आते हुए जितने सारे आम गिरे हुए थे ना, मैं बचपन में, मैं बहुत छोटी थी जब ना, मैं रात को 1 बजे 2 बजे मैं आई, मैं दिखाती हूँ, वो देखो जितने सारे आम है ना, वो मेरे घर के आम मतलब पास में है, मैं 1 बजे रात को चली जाती थी आम बीनने, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं छोटी सी इतनी सी थी, इतनी सी मैं चली जाती थी। और एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, वो सीधे होगा जैसे सूरजमुखी का, मतलब वो खेत उसमें मैं रात में ना, मतलब जिस दिन आधी वधी आती थी ना, मैं 2 बजे 3 बजे रात को ही मैं सिल्फर बीन में लेके चली जाती थी, जो बोलते थे ना, मतलब शहर में उसका रस वगैरह मिलता है बनके, बट मुझे उसका मतलब जूस वगैरह मुझे पसंद नहीं है। हाँ, वो जैसे मतलब पेड़ से गिरता पक जाता है ना, उसको फोड़ के खाने में इतना मीठा मीठा बिल्कुल आम की तरह लगता है, वो अच्छा लगता है, बट मेरे को रस नहीं अच्छा लगता है। हालांकि वो बहुत प्रोटीन की चीज़ें हैं, हमारे यहाँ सीफल बोला जाता है, उसको एक और नाम है, आई डोंट नो, अभी माइंड में नहीं आ रहा है। तो मैं सोचो उतना दूर मैं चली जाती थी, और एक बगीचा और दिखा रही हूँ, भी उस बगीचे में भी मैं चली जाती थी, मेरा एक पेड़ था, एक पेड़ के लिए मैं पूरे चली जाती थी। और फिर मैं एक चीज़ और दिखा रही हूँ, उधर भी देखिए बहुत सारा पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ अभी मतलब बहुत बड़ा जो था ना, बहुत बड़ा मतलब वो बोलते बागवान जैसे, लाइक पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे, वहाँ पर मैं चली जाती थी आम वगैरह बीनने के लिए, दिन में चली जाती थी। लाइक जैसे को बोलते हैं ना, गांव में बहुत सारे पेड़ होते हैं तो मतलब उसको बागवान वगैरह बोलते हैं, तो वैसे मैं चली जाती थी। बट अभी मतलब बहुत पेड़ कट चुके हैं, क्योंकि लोगों ने घर बनवाने के चक्कर में या कुछ भी करने के चक्कर में सारे पेड़ जो कट कर दिए हैं, बट अभी भी बहुत सारी नेचुरल वाइब यहाँ पे मिलती है, बहुत सारे पेड़ पौधे मिलते हैं, तो अब तो नहीं मिलेगा, और लाइक मतलब छोटे छोटे अब मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे कट गए हैं, वरना मैं बचपन में जो मैं हरकत करती थी, मैंने यहाँ पे 10 ईयर कंप्लीट किए हैं, तो जो मैंने बचपन में शरारतें की थी बहुत की थी, बट अभी मेरे को मतलब मैं बाहर ही रह रही हूँ इतने सालों से, तो मुझे आइडिया नहीं, आई हैव नो आइडिया, बट बहुत इंजॉय किए बचपन में। अभी तो मेरे को इतने दूर से उतने दूर जाने को बोल दो तो मैं डरती रहती हूँ, मैं तो रात में नहीं निकल पाती हूँ, पहले रात में 2 बजे 3 बजे मैं आम के चक्कर में चली जाती हूँ। तो मैं बचपन क्या ही बताऊँ गाइस, बचपन की बातें अलग होती है। कौन कौन ऐसा किया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।